को पता है टाइम लिमिटेड होगा, कितना टाइम होगा, तो 12 घंटे में आपको ये चीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है हमारे ट्रेनर्स पे हमें पूरा भरोसा है कि आपको जो चीजें उन्होंने सिखाई हैं इंशाल्लाह आप इस चीज को जरूर कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा मेरी रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह से आज आप लोग सब यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ से अब जाहिर है सबका यही जहर होगा कि इंशाल्लाह। अच्छा, पहली बात तो ये हम नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे कोई भी 100% चंद होंगे जो बिल्कुल जीते होंगे, उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन हम दो से तीन साल मुझे हो गए यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में। ये मैंने खुद असेस किया कि हैकाथॉन में बच्चा फ्रेजाइल होता है, ठीक है। आप लोग जो है कोई भी ऐसा नहीं होगा, ये मेरा असेसमेंट है कि जो कह सके कि मैं 100% डेवलपर हूँ, मैं जीता हूँ भाई, मुझे सब कुछ आता है, तो ऐसा नहीं है। तो कभी अच्छा यार अंदर में बिल्कुल नहीं होना है आपने कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टास्क कंप्लीट नहीं है तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ये आपका टेम्परामेंट चेक है, ठीक है, ये बात पहले नोट कर लें। हाँ, ये अगर चीज आपने कर ली तो ये आप फिर जब कोई अच्छे डेवलपर बनेंगे ना तो ये आपको प्राउड होगा एक साल बाद के यार मैंने ये चीज अचीव की थी कि मैंने यहाँ बैठ के 12 घंटे में मैंने ये टास्क कर लिया था, ठीक है। हाँ, ये एक चीज है कि अगर आपने ये आज 12 घंटे में कर लिया, इसका मतलब ये है कि आप काम कर सकते हैं भाई, इस फील्ड में बहुत अच्छी तरह काम कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को। अच्छा, एक और चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आज आप माशाल्लाह यहाँ पे सब बैठे हैं, बहुत आपको हम सब हमारा माहौल पता है, हमने अपनी बेस्ट कोशिश की कि आपको सर्व कर सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी भाई हमारे जो फेसबुक के पेजेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ठीक है। आपको पता है कि आप एक साल पहले यहाँ पे आए थे तो आपकी स्किल लेवल क्या थी, आज आपका स्किल लेवल क्या है, ये लोगों को बताएं ताकि वो भी आएँ, सीखें और अपनी लाइफ को चेंज करें। बेसिक जो हमारा मकसद है वो यही है, आपको पता है आजकल हालात आपके सामने ही हैं, ठीक है। तो ये फील्ड बेसिकली ऐसी है कि आप सब लोगों को पता है कि ये विद इन ईयर आप सामने कितने लोग जो है यहाँ पे जो है वो जॉब्स कर रहे हैं या फिर जो है वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, एंट्रीज कर रहे हैं। तो ये देखें, ये आपने मेहनत की है तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं ना, इंशाल्लाह इससे भी आगे आप जाएंगे, हमारी दुआ है बस। सेनानी का जो कोशिश है जो हम कर रहे हैं कि भाई 2030 तक हमने 10 मिलियन स्किलफुल लोग पैदा करने बनाने, तो वो ये आप सब लोग बैठे हो भाई, ये आप सब हैं, फिर हम बोलेंगे कि यार हाँ हमने ये लोग पैदा किए हैं, इन लोगों को बनाया है, आज माशाल्लाह यही जो है वो इनकम स्ट्रीम है पाकिस्तान की। तो फिर सब तैयार हैं आज के टास्क के लिए, थैंक यू सो मच। आप लोगों की जोरदार तालियों में मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहुत भाई से, तो वो आए आपको टास्क बताएं और फिर आप इंशाल्लाह स्टार्ट लें। सर आजम प्लीज। टाइटल है हमारे पास ऑनलाइन डिस्काउंट स्टोर सैलानी। आपको पता है सैलानी का एक डिस्काउंट स्टोर भी है, अभी मुझे नहीं पता वो अभी वर्किंग है या क्या चक्कर है। वो बिल्कुल इम्तियाज की तरह होता है, छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर, वहाँ पे आप जाते हैं और वहाँ पे तमाम चीज़ें जो रियायती कीमतों पर दस्तयाब होती हैं अच्छी क्वालिटी की। अच्छा, तो वो फिजिकल स्टोर मैं देख रहा था रात को गूगल मैप पे, वो नुमाइश पे है, तो उसी का ऑनलाइन वर्जन आज आप बनाने लगे हैं। अच्छा, इस ऐप की अच्छी बात यह है कि ये वैसे तो आप बना रहे होंगे सैलानी के डिस्काउंट के लिए, लेकिन ये ऐप एज इट इज़ जाहिर है कोई भी मिठाई की दुकान है वहाँ पर भी इसी तरह से ऐप होगी। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा आपको अभी एक्सप्लेन करने शुरू करता हूँ स्क्रीन एडिट करके। अच्छा, इस ऐप के ना दो सेक्शन है, एक एडमिन होगा जो स्टोर के अंदर कोई बैठा हुआ मैनेजर होगा या कोई लड़का होगा, दोबारा कास्ट कर लें।
वो क्या करेगा, वो लॉग इन करेगा ऐप के अंदर, और ऐप में लॉग इन करके ना वो प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा होगा वहां से बैठ के। अच्छा, प्रोडक्ट ऐड करते हुए वो नाम बताएगा, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बताएगा और पैसे बता देगा कि कितने की है। अच्छा, और वो प्रोडक्ट जो है फिर वो यूजर को नजर आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो हमारे पास ये शुरू की जो तीन स्क्रीन है, सबसे पहले तो एक स्प्लैश स्क्रीन है, स्प्लैश स्क्रीन कह लें उसको या वेलकम स्क्रीन कह लें। उसके बाद लॉग इन है, साइन अप है। ये तो वो फीचर है जो दुनिया की हर ऐप में होता है। तो जैसा कि शुरू से जो मेरे सेक्शन के स्टूडेंट है और बाकी भी मैं ग्रुप्स में बताता रहा हूँ कि बॉयलर प्लेट आपके पास बना हुआ होगा, सब लोगों के पास बना हुआ है बॉयलर प्लेट। अच्छा, बॉयलर प्लेट वो छोटी सी ऐप होती है, जिन लोगों को नहीं पता जो गेस्ट वगैरह यहाँ पर, तो वो छोटी सी ऐप होती है जो जो बेस होता है जिसके ऊपर आप काम करना शुरू करते हैं। तो एक छोटी सी ऐप जिसमें लॉग इन साइन अप बना हो और वो नेविगेशन वगैरह बनी हुई हो और बीच का कंटेंट उसके अंदर फिर आप वो बना रहे होते हैं, तो हर डेवलपर, हर प्रोफेशनल डेवलपर ने अपने ये बॉयलर प्लेट तैयार किया हुआ होता है। तो वो उसकी प्रैक्टिस भी आपकी, आपको ये एक डेढ़ हफ्ते पहले से बता दिया था कि बॉयलर प्लेट आपके पास रेडी होता है। तो ये तो जो तीन स्क्रीन है ना शुरू की, ये तो उस बॉयलर प्लेट का पार्ट है। अच्छा, इसमें फॉरगेट पासवर्ड का भी एक बटन आपको नजर आ रहा है, ये ऑप्शनल है, जो फॉरगेट पासवर्ड इंप्लीमेंट करना चाहे वो कर सकता है, ऑब्वियसली ये प्लस पॉइंट होगा। अच्छा, नहीं कर पाया अगर कोई तो भी आपकी ऐप इस फीचर के बगैर भी कंप्लीट कंसिडर की जाएगी। अच्छा, अब जो आगे की स्क्रीन है, जरा एडमिन वाले पे आ जाए कि एडमिन क्या क्या कर रहा होगा। अच्छा, यही लॉग इन की स्क्रीन है, लॉग इन करेगा बंदा तो डिपेंडिंग ऑन कि वो बंदा एडमिन है या यूजर है उसको अलग स्क्रीन दिखाई देगी। अच्छा, एडमिन वाले पे आया। अच्छा, ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रही है, सही होता जा रहा है, सही ऐसे ये शायद ज्यादा लोग अभी क्राउड मौजूद है यहाँ पे ना, तो इंटरनेट को शायद अचानक लोड पड़ा है तो गड़बड़ हो रहा है। ये होम की जो स्क्रीन है ना एडमिन की, अच्छा कुछ लोगों को ये जहन में ख्याल आ रहा होगा कि ये मोबाइल ऐप आ गई है कुछ, क्योंकि जो वीकेंड वाली क्लास है उन्होंने मोबाइल ऐप अभी तक नहीं पढ़ी, तो उनको क्या करना है वो मैं आखिर में बताऊंगा। ऊपर देखो नाम आ रहा है बंदे का, जो भी एडमिन है जाएगा वो। अच्छा, एडमिन साइन अप नहीं हो सकता, एडमिन फिक्स होगा डेटाबेस के अंदर। डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा कनेक्ट करते हैं जरा। अच्छा, एडमिन जो होगा ना वो साइन अप नहीं हो सकता, एडमिन फिक्स होगा डेटाबेस के अंदर। अच्छा, एडमिन एक नॉर्मल यूजर होगा ऑब्वियसली, बस उसमें एक की लगी होगी इज एडमिन रूम, दैट्स इट। एडमिन साइन अप नहीं हो सकता, जो इसमें साइन अप का जो फॉर्म है वो फिल करने पे एक नॉर्मल यूजर साइन अप होगा, एडमिन साइन अप नहीं होगा, एडमिन डेटाबेस से जाके बनेगा हाथ से। अच्छा, तो डिपेंडिंग ऑन जब लॉग इन करेगा बंदा, तो डिपेंडिंग ऑन कि वो एडमिन है या एक नॉर्मल यूजर है, हम उसको एडमिन की स्क्रीन दिखा देंगे यहाँ पे। जाहिर है एडमिन क्योंकि एक नॉर्मल यूजर है, उसका नाम है, उसकी फोटो है। अच्छा, और होम स्क्रीन पे वो सारी प्रोडक्ट उसको नजर आ जाएगी जो उसने ऑलरेडी ऐड की है। अच्छा, पहली दफा अगर एडमिन ने खोली है तो जाहिर है उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होगी, एम्प्टी हो रहा होगा, तो लिखा होगा नो प्रोडक्ट्स। अच्छा, उसके बाद आप देखें नीचे ये तीन पेज है टोटल, होम बना हुआ है, ऐड प्रोडक्ट है और अकाउंट है। अच्छा, वो ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा या ऐड आइटम लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेगा तो ये फॉर्म उसके सामने नजर आ जाएगा उसको। इसके अंदर देखें आप, एक फोटो लगानी है उसने प्रोडक्ट की, एक अगर उसका टाइटल लिखना है, उसकी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है उसने ड्रॉप डाउन मेन्यू में, और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अच्छा, ये कैटेगरीज प्री डिफाइंड होगी जो ऐप के अंदर, ये वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मीट है, और भी जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं ग्रोसरीज की। और यूनिट नेम लिखना है कि ये जो बिकती है वो केजी यूनिट बिकता है क्या बिकता है, वो जस्ट एक फ्री टेक्स्ट होगा जो लेबल आ रहा होगा, ताकि वो देखने वाले यूजर को पता चले कि अच्छा ये केजी है या ये लीटर है या ये डॉजन है क्या है। और यूनिट की प्राइस, यानी जो भी अगर पर केजी है तो पर केजी की क्या प्राइस है, अगर पर डॉजन है तो पर डॉजन की क्या प्राइस है, और ये करके ऐड प्रोडक्ट करेगा और वो प्रोडक्ट डेटाबेस में जाके फीड हो जाएगी और उसको होम पेज पे पहला प्रोडक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा एडमिन को खुद को। अच्छा, ये करने के बाद अगली स्क्रीन पर जाए अकाउंट की स्क्रीन पर। अकाउंट की स्क्रीन पर ये प्रोफाइल फोटो और इसका नाम है, ये छोटा सा फॉर्म होगा, दो आइटम होंगे इसमें, ये फोटो अपडेट कर सके, नाम अपडेट कर सके, फुल नेम डायरेक्ट लिखे, टिक का बटन दबाए अपडेट हो जाए। अच्छा, एक दूसरा फॉर्म भी एक नजर आ रहा है छोटा सा, यहां से लेके यहां तक, ये कैटेगरी ऐड करने का फॉर्म है, ठीक है, जो प्री डिफाइंड कैटेगरी होगी आपकी ऐप में वो यहाँ पे आके देखें आप, ये तीन चार कैटेगरी पहले से बनी हुई आ रही है, मजीद कैटेगरी यहाँ से ऐड करवाएगा, एक फोटो लेगा, छोटी सी फोटो है कैटेगरी की,
साथ में नाम लिखेगा और एड बटन लगा देगा, तो ये कैटेगरी ऐड हो जाएगी इसके अंदर। अच्छा, फिर यही कैटेगरी वो जब वो दोबारा ऐड करने जाएगा क्या कहते हैं नया आइटम, तो वहां पे उसको यही सारी कैटेगरीज नजर आ गई होंगी ड्रॉप डाउन में। अच्छा, तो ये तो प्रोडक्ट ऐड करने का प्रोसेस हो गया पूरा, समझ आ गया सब लोगों को ये? यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा आप जी एक एडमिन ऐड कर सकता है, जो शॉप का ऑनर होगा, ये शॉप के अंदर बैठा हुआ एक एडमिन होगा वो करेगा। एडमिन एक्सेस ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन वो एक ही होगा एक्चुअली, ठीक है। सर, हो सकता है किसी शॉप में दो लड़के तो दो एडमिन होगा, लेकिन जब वो ओपन करेगा तो दिखेगा वही प्रोडक्ट उसमें। हम एज्यूम लेकिन कर रहे हैं एक एडमिन है फिलहाल, हम अभी एज्यूम कर रहे हैं एक एडमिन है, एक से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक से ज्यादा भी वो एक ही बात है। नहीं, एडमिन की अपनी पर्सनैलिटी है ना, उसके दिल की तसल्ली है ना, है ना। तो एडमिन को दिख रहा हो कि यार मैं लॉग इन हूँ, इसलिए ठीक है। एडमिन को नाम चेंज करने की जरूरत इसलिए है ताकि लॉग इन हुई भी स्क्रीन में ना उसको फौरन देख के पता चले तो मेरा अकाउंट लॉग इन है, समझ लो इसलिए। और वो लॉग आउट करके जाएगा ऑब्वियसली, एडमिन है क्योंकि उसको छोड़ नहीं सकता, वो तो पूरा स्टोर उस पर चल रहा है, तो ताकि उसको फौरन पता चल जाए कि मेरा अकाउंट लॉग इन है, उसलिए नाम मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये ऑर्डर ये प्रोडक्ट ऐड हो गई और ये यूजर को अब नजर आना शुरू हो जाएगी, वो कैसे नजर आएगी वो हम आगे भी देखते हैं। अच्छा, अब जो उसको ऑर्डर प्लेस होगा, जरा वो स्क्रीन दिखाएं, ये यहाँ पे टॉप पे एक बटन बना होगा व्यू ऑर्डर्स का बटन होगा ये। अच्छा, ये प्रेस करते ही ना उसको ये सारे ऑर्डर नजर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ऑर्डर जब नजर आ रहे होंगे, बंदे का नाम आ रहा है इसमें, यहाँ पे ये छोटा छोटा लिखा हुआ है, अभी ये शेयर कर दी जाएगी आपसे, ये जो डॉक्यूमेंट है ये वाला, इसमें टाइम लिखा हुआ है जस्ट नाउ, पेंडिंग है स्टेटस इसका, बाय डिफॉल्ट जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होगा उसका स्टेटस पेंडिंग होगा। अच्छा, यहाँ पे फोन नंबर लिखा हुआ है उस बंदे का, जाहिर है एडमिन के पास ऑर्डर आया तो वो फोन करके एकदम पूछेगा कि हाँ यार एड्रेस वेड्रेस सही है ना, सीरियस है, ठीक है। या जस्ट इन केस किसी भी केस में फोन नंबर की उसको जरूरत पड़ सकती है, तो फोन नंबर यहाँ पे यूजर प्रोवाइड करेगा। अच्छा, टोटल पैसे भी यहाँ लिखे हुए आ रहे हैं और यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है जिससे स्टेटस चेंज करेगा। तीन या चार प्री डिफाइंड स्टेटस है जो वो लिखे हुए डॉक्यूमेंट में मौजूद है, बाई डिफॉल्ट पेंडिंग होगा, उसको वो करेगा इन प्रोग्रेस, उसको वो करेगा डिलीवर्ड, या वो कैंसिल कर सकता है। तो टोटल ये चार स्टेटस होंगे जो एडमिन यहाँ से आके चेंज कर सकता है। अच्छा, स्टेटस यहाँ से चेंज हो जाएगा, एडमिन का काम बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आसान है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, एक कंप्लीट प्रोडक्ट है बट मिनिमल है, ठीक है। अब आ जाए यूजर के पास कि यूजर को क्या दिख रहा होगा और कैसे दिख रहा होगा। अगर लॉग इन करने वाला बंदा अगर यूजर हुआ तो उसको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी, ये एक स्लाइडर चल रहा होगा यहाँ पे, या एक फिक्स इमेज होगी, ठीक है। ये आप पे ये लिखा नहीं है डॉक्यूमेंट में कि इसमें क्या होगा, लेकिन ये एक फिक्स इमेज या इसमें स्लाइडर आप जो भी बनाना चाहें, आखिर में टाइम बच जाए तो ये गार्निशिंग है एक्चुअली। उसके बाद ये सर्च बना हुआ है, ये एक फुल टेक्स्ट सर्च होगा, इसमें लिख कर जैसे ये मीट लिखा हुआ है, फिर ये प्रोडक्ट के नाम आ रहे हैं सारे, जो भी होम पेज पे यूजर को वो तमाम प्रोडक्ट दिख जाएंगे जो एडमिन ने ऐड किया हुआ है। अच्छा, और यहाँ पे उसका नाम लिख के ना वो सर्च कर सके प्रोडक्ट को, जैसे वो मीट लिखे तो मीट आ जाए, ठीक है। फुल टेक्स्ट सर्च होगा, ये ऑप्शनल है, ये सर्च बॉक्स अगर आप बना सकें तो ऑब्वियसली ये प्लस पॉइंट होगा, अगर आप नहीं बना सकें तो ये स्टिल आपका टास्क कंप्लीट कंसिडर किया जाएगा इसके बजाय। अच्छा, तो सर्च करके वो प्रोडक्ट को फिल्टर कर सके या वो कैटेगरी कर सके। मिसाल के तौर पे उसने लिख दिया मीट पे क्लिक किया तो नीचे सिर्फ मीट शो हो जाए बाकी गायब हो जाए, या उसने सिर्फ वेजिटेबल फ्रूट सेलेक्ट कर लिया, फ्रूट सेलेक्ट किया तो नीचे सिर्फ फ्रूट आ जाए बाकी गायब हो जाए, फिल्टर आउट हो जाए, ठीक है। ये काफी हेल्पफुल होगा, मिसाल के तौर पर वेजिटेबल अभी अभी उतरी है तो ट्रक से पूरा वेजिटेबल ही भरा हुआ है, उसको चाहिए मीट, मीट तो चला जाएगा नीचे फिर वो, तो वो फिल्टर कर सके यार मुझे मीट चाहिए, तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा यूजर के लिए, उसको सर्च करने में काफी आसानी होगी। अच्छा, तो ये कैटेगरी भी, ये भी ऑप्शनल है, इसके बगैर भी आपकी ऐप कंप्लीट कंसिडर की जाएगी, लेकिन अगर ये कोई बना लेता तो ऑब्वियसली वो प्लस पॉइंट होगा। अच्छा, अब ये नीचे जो प्रोडक्ट आ रही है ना, तीन आ रही है, ये स्क्रॉलेबल होगा ये पूरी स्क्रीन, अब जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सब यहाँ दिख रहे होंगे, नाम दिख रहा है प्रोडक्ट का, डिस्क्रिप्शन दिख रही है, उसका प्राइस दिख रहा है और उसका यूनिट दिख रहा है। यूनिट का जो भी नेम होगा वो एग्जैक्टली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है, जस्ट ये दिखेगा यूजर को कि अच्छा है कि पर के जी होगा, ताकि जब उसके घर पर डिलीवर होगी तो उसको अच्छा है एक के जी होगा या दर्जन होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ जगहों पे जो ऑरेंज होता है, जो बनाना होता है, इस तरह के फ्रूट्स होते हैं, कहीं डॉजन में बेच रहे होते हैं फेरी में, लेकिन कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वहाँ किलो में बेच रहे हैं। जैसे अभी मैं रिसेंटली मेट्रो गया था तो वहाँ पे केले वो किलो में बेच रहे थे, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई देख के, यार किलो में क्यों बेच रहे हैं। तो
तो जब खुद जाना पड़ता है शॉपिंग करना तो फिर चीजें पता चलती हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अभी तो आप में से शायद बहुत कम लोग जाते होंगे, अम्मा अब्बा जाते होंगे अभी, तो जब अभी अम्मा अब्बा बनेंगे आप तो आपको फिर पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, तो ये पर ये यूनिट की प्राइस आ गई 800 रुपए पर के जी लिखा हुआ है, प्लस का बटन जैसे ही बंदा दबाएगा तो ये कार्ट में ऐड हो जाएगा। अच्छा, कार्ट क्या चीज होगी? एक लोकल स्टोरेज हो सकता है, एक कोई लोकल चीज हो सकती है, आप चाहे तो डेटाबेस में भरा लें उस यूजर के नाम के साथ। कार्ट एक टेम्प्रोरी डब्बा होता है एक्चुअली, कार्ट जो शॉपिंग करने जाते हैं ना वो जो एक वो ट्रॉली दे देते हैं चलाने वाला, उस ट्रॉली को कार्ट कहते हैं असल में। तो आप जब भी घूमते हैं अंदर आप उठा उठा के उस कार्ट में डालते जाते हैं, आखिर में जाके आप पेमेंट कराते हैं। तो ये वही चीज़ है जो सॉफ्टवेयर में मिमिक की जाती है आमतौर पर, आपको देखते हुए मिलता है कि कार्ट में चला गया। तो ये प्लस करते ही वो क्या होगा, कार्ट में ऐड हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ से स्क्रॉल करता जाएगा, मतलब 3, 4, 5 जितने भी आइटम है उसने ऐड करना है, वो उसने ऐड कर लिया। अच्छा, अब आगे आ जाए, अब वो क्या करेगा, ये कार्ट का बटन प्रेस करेगा। जब वो सारा काम कर लेगा ना, वो कोने में कार्ट का बटन है टॉप पे, वो जरा दिखाइएगा। हाँ, ये नीचे से भी है ऊपर से भी है, ऊपर वाला भी दिखाइएगा। ऊपर से कहाँ से है वो? ये बटन है, ठीक है, दोनों जगह बटन है कार्ड पर। अच्छा, कार्ड पे क्लिक करने से वो कहाँ आ जाएगा? ये एक कार्ड के पेज पे आ जाएगा। अच्छा, इसमें देखें आप जितने भी प्रोडक्ट इसने ऐड किए ना, वो लिखी हुई आ रही है कि यार ये प्रोडक्ट है, इतने पैसे हो गए, इतने यूनिट्स हैं इसके, 3 प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर इसने सेलेक्ट किए। अगर यूजर चाहे तो यहाँ पे आके ये डिलीट का बटन दबाएगा, ये कार्ड को खाली करके दोबारा से शुरू कर सकता है, ठीक है। वो कार्ड को उसमें गलत चीज़ें ऐड कर ली, या पुराना का भी ऐड किया था वो उसको कंटिन्यू नहीं किया, अब वो नए सिरे से आया वो डिलीट करके नए सिरे से शुरू कर सकता है, या फिर वो इसी के नीचे जहाँ पे प्रोडक्ट आ रहे होंगे सारे, उसी के नीचे उसका नेम, ईमेल और वो जो ज़रूरी डिटेल होती है डिलीवरी के लिए वो आ रही है, वो फिल करके और उसने प्लेस ऑर्डर का बटन क्लिक कर देना है। जरा स्क्रॉल कीजिएगा, ये जरूरी डिटेल लिख के प्लेस ऑर्डर कर देगा तो वो ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। समझ आ रहे हैं यहाँ तक जी? अभी वेब वाला बताता हूँ, मैं जब भी मैंने शुरू में कह दिया था कि पैनिक ना हो। जी, जितने भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं फिलहाल कोई लिमिटेशन नहीं है। वैसे तो असूला नहीं, एक्चुअल मार्केट प्लेस में तो काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं कि क्या प्रोडक्ट ऐड होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल अभी है इसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा बच्चों, आपस में बातें नहीं, खामोशी रहो। यहाँ पे अच्छी तरह से इसको समझ लोगे ना प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को, तो बनाने में आसानी रहेगी, बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगी। अभी अच्छे से इसको अपने दिमाग में सोचो और कोई भी अगर सवाल आ रहा है अभी पूछ लो। जी दोस्त, आखिरी वाला कौन सा? हाँ, कार्ड वाला। ये स्क्रॉलेबल होगा असल में, ये पेज थोड़ा सा जूम आउट कीजिएगा, लंबी स्क्रीन दिख रही है आपको, ये असल में लंबी स्क्रीन नहीं है, डिजाइन में इस तरह, ये डिजाइन डॉक्यूमेंट है असल में, ठीक है, ये डिजाइन डॉक्यूमेंट है फिग्मा पे बना हुआ है। तो ये स्क्रीन थोड़ी छोटी और ये थोड़ी लंबी का मतलब है ये स्क्रॉलेबल है ये पेज, ठीक है, इसका मतलब ये सही है। यही सवाल था आपका? हाँ नहीं, ये असल में ये क्या होगा, जब आप कार्ड पे क्लिक करते हैं तो हर ऑनलाइन स्टोर में साइन अप के वक्त आप एक नेम देते हैं, ईमेल देते हैं, फोन नंबर देते हैं, वो तो साइन अप के लिए होता है। मिसाल के तौर पे आप किसी दूसरे नाम से डिलीवरी करवाना चाह रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट तो इस जगह पे नेम में आप ये दिखा सकते हैं कि जिस नाम से यूजर साइन अप है वो नाम पहले से लिखा हुआ रहा हो, लेकिन ये नाम चेंज होने का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर के ऊपर एक बंदे का नाम लिखा होगा ताकि जब वो मेरी गली में पहुंचे, अब मैंने मिसाल के तौर पर शमाटर के नाम से अगर साइन अप किया, लोगों के अलग अलग ईमेल होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग शॉप होते हैं, तो मिसाल के तौर पे अगर किसी ने गलती से किसी दूसरे नाम से साइन अप कर लिया, अच्छा तो वो, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं जब मेरी गली में पहुंचे तो वो शहजाद भाई बोल के बोले ना कि यार शहजाद भाई का घर कौन सा है, अपार्टमेंट में नीचे चौकीदार से पूछे उसको क्या पता होगा, इसलिए ऑर्डर पे ना हमेशा एक नाम लिखना चाहिए, लिखा जाता है रिवाज ये। अच्छा, इसी तरह फोन नंबर यहाँ पे कोई दूसरा हो सकता है, क्योंकि जिस फोन नंबर से साइन अप किया था मे भी वो फोन नंबर मैं डिलीवरी वाले बंदे से शेयर नहीं करना चाह रहा, उसको मैं कोई दूसरा अम्मी का नंबर देना चाह रहा हूँ, ठीक है। खवातीन आमतौर पर इस तरह करती हैं कि वो अम्मी के नंबर से ऊबर बुक करती हैं, अम्मी के नंबर से दराज से शॉपिंग होती है, ठीक है, खुद के नंबर से नहीं होती। तो ये आमतौर पर ऑर्डर के ऊपर जो डिटेल होती है ना डिलीवरी की या जिस बंदे ने ऑर्डर किया है वो एंटायरली डिफरेंट हो सकती है जिस नाम से साइन अप है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हस्बैंड के कार्ड से शॉपिंग चल रही है तो सही है, तो ये नाम अलग हो सकता है। जी,
ये सारे एक साथ ऑर्डर हो, एक ऑब्जेक्ट पूरा बनेगा ऑर्डर का जो जाके डेटाबेस में प्लेस हो जाएगा। अभी वो अगर आप वापस देखेंगे ना, जो एडमिन के पास जो ऑर्डर पहुंचा है, जब एडमिन के पास जो ऑर्डर पहुंचा है ना, आप जरा वो वाली स्क्रीन अगर देखेंगे तो उसमें एक ऑर्डर के साथ एक नाम आता है, एक फोन नंबर आता है और नीचे आइटम लिखे होते हैं बारीक बारीक ना, 2x मीट, 2x इतने, 2x वेजिटेबल फला फला, ऐसे तीन चार आइटम उसमें हर ऑर्डर में वो लिखा हुआ है सारा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x आइटम नेम, 3x आइटम नेम और यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ है बट आप ये BKR में लिखा है ना, ये ऑर्डर में जितना भी सेलेक्ट किया उसने 10-12, फिर क्या होगा ये पूरा पीस बड़ा होगा, ये जो अभी छोटा है ना ये ऐसे, ये आइटम दो है ना, यहाँ पे 10 भी हो सकता है, तो ये टोटल जाहिर है नीचे आ जाएगा, वो 20 में 10 आइटम आ जाएंगे। है यही सवाल था। अच्छा वापस आ जाए उधर ही जहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रहे थे यूजर के पास। अच्छा तो यूजर ने 10-12 आइटम सेलेक्ट किए या 3 आइटम सेलेक्ट किए और नाम लिख के प्लेस ऑर्डर कर दिया। अच्छा यहाँ पे आप देखिए कार्ट में ना एक बटन प्लस माइनस का भी आ रहा है, जरा वो दिखा दीजिएगा। यहाँ पे ना अगर मिसाल के तौर पर बंदे ने कोई आइटम ऐड किया तो वो यहाँ पर प्लस 1, 2, 3 भी कर सके, ये कितने एक्स है, मतलब अगर मीट चाहिए उसको तो पर केजी लिखा है ना, तो 2 किलो मिसाल के तौर पर चाहिए, 5 किलो चाहिए, वो प्लस करके उसको 5 कर दो, ये जस्ट एक नंबर है जो ऑर्डर के साथ लिखा हुआ जाएगा डेटाबेस के अंदर। अच्छा अब अगला जो हमारे पास स्क्रीन है यहाँ पे यूजर की जो स्क्रीन है, एक तो होम स्क्रीन देख ली हमने, दूसरा कार्ड देख लिया हमने, तीसरी स्क्रीन है अकाउंट की स्क्रीन। इसमें जैसे एडमिन ने कहा फोटो और नाम अपडेट होगा, फुल नेम लिखेगा टिक अपडेट हो जाएगा, फोटो यहाँ से अपडेट कर देगा, प्रीवियस ऑर्डर सारे उसको दिख रहे होंगे यूजर को, ये ऑर्डर बिल्कुल उसी तरह दिख रहे हैं जैसे एडमिन को दिखता है, ऑर्डर पे जो नाम लिखा था वो यहाँ नाम आ गया, कोई दूसरा नाम भी हो सकता है, जस्ट नाउ पेंडिंग है बाय डिफॉल्ट इसका स्टेटस, फोन नंबर जो लिखा था इस ऑर्डर के साथ वो आ रहा है और 2x आइटम है, 3x आइटम है, जो भी आइटम है वो है टोटल यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये डिपेंडिंग ऑन कितने आइटम है ये इसका हाइट इसकी ज्यादा होगी और ये जितने भी पुराने ऑर्डर है ये सब देख पा रहे हैं। एक में लिखा हुआ है कि इन प्रोग्रेस और इसमें लिखा हुआ है 2 फरवरी 2023 और फिर तीसरे में डेलीवर्ड लिखा हुआ है आधा छुपा हुआ है वो। यहाँ पे आपकी जो ऐप है ये कंप्लीट हो गई है। अच्छा अब इस ऐप की देखिए खूबसूरती क्या है, अभी ये इस्तेमाल हो रहा है सैलानी डिस्काउंट स्टोर में, लेकिन अगर इसको इम्तियाज वाला अडॉप्ट करता है शायद को या दिलपसंद मिठाई वाला अडॉप्ट करता है तो उसके लिए क्या इसमें चेंजेस क्या करनी है, उसके लिए सिर्फ लोगो चेंज करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना, प्रोडक्ट तो वो खुद ऐड करेगा ना अपने लिए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपकी ये ऐप बन गई, हैकाथॉन खत्म हो गया, आप सब अपने घर चले गए, अवार्ड भी मिल गया आपको, अगले दिन क्या करना है, कल का टास्क बता रहा हूँ आपको, आपको ये मोबाइल ऐप लेके जानी है। अच्छा सबसे पहले तो भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यहाँ पे ये अभी लगाया हुआ मैंने रिकॉर्डिंग, ये आप सब की शक्लें इसमें आ गई हैं, मगर ये तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल देखेंगे ना, ये मेरा सर्कल देखेगा क्योंकि मैं उसको शेयर करूंगा। अच्छा आप भी शेयर कर देंगे तो आपका भी सर्कल देख लेगा, लेकिन असूलन ये होना चाहिए कि आप इतना शोर मचाएं कि बंदे बोले, जैसे कोई भी अपना क्या नाम है तुम्हारा शुरू वाले, इजान, बंदे बोले यार इजान ने तो पता नहीं क्या कर लिया, इजान के जितने भी दोस्त हैं, कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं होना चाहिए जिसको ये पता ना हो कि इजान ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया। अच्छा ये पहले दिन से करना था लेकिन कोई मसला नहीं, देर आया दुरुस्त आया, तो आज से शोर मचाना शुरू कर देना, कोई भी काम छोटा सा भी करेंगे, जैसे अभी आप ये प्रोजेक्ट बनाएंगे इसकी आप अच्छी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, अच्छे से उसमें वॉइस ओवर एक्सप्लेन जो भी पॉसिबल है, ठीक है, उसको आप लिंक्डइन पे शेयर कर दें, फेसबुक पे शेयर कर दें, ट्विटर पे, जो भी आपके सर्कल जहाँ पे भी होता है, लिंक्डइन पे सारे आजकल HR वाले शिकरे बैठे हुए हैं शिकार करने के लिए आपका, तो आप लिंक्डइन पे शेयर करेंगे तो वो सबको नजर आ जाएगा, वो सब फॉलो करते हैं, कोई आपको लगेगा कोई लाइक्स नहीं आ रहे कुछ नहीं आ रहा लेकिन देखते सब है, ठीक है, इस चीज से बेफिक्र हो, वो लाइक थोड़ी करेगा, वो उसको ये बताना थोड़ी कि उसने देख लिया, उसको देखना है, वो देख के आपका नाम नोट कर लेता है कि अच्छा यार इस बंदे ने ये कर लिया और फिर वो अपने हिसाब से घेरता है आपको, तो आपको लगेगा कि आप घेर रहे हैं लेकिन असल में वो घेर रहा होता है आपको, ठीक है, तो आपको आना बिल्कुल ऊपर से, तो शोर मचाना है। जब जैसे ही ऐप आपकी शाम को कंप्लीट हो जाए अब घर जाके आराम से सो जाना है, ठीक है, क्योंकि जाहिर आप थक जाएंगे 12 घंटे में, कल सुबह उठ के आपने ये शुरू कर देना है,
अच्छा अभी हम मार्केटिंग करेंगे आपकी जितना हमसे हो सकेगा, बाकी आप खुद करेंगे। और आपके जितने रिश्तेदार हैं ना सबके पास ये ऐप पहुंच जानी चाहिए, सबके मोबाइल में ये ऐप होनी चाहिए कि अच्छा यार ये मेरे फलाना दोस्त ने बनाया है और मेरे फलाना रिश्तेदार ने बनाया है। अच्छा तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये तो हो गया कल का टास्क, आज रात तक का तो ये आ गया, कल का बता दिया मैंने आपको। अब कल के बाद परसों का टास्क क्या है? परसों का टास्क ये है कि ये मोबाइल में आपने ऐप लेके जानी है डिफरेंट बिजनेसेस में, अपने सराउंडिंग में आपके बहुत सारे बिजनेस है। अच्छा उनको दिखाना है अपनी ऐप कि यार ऐसी अगर आपकी ऐप हो तो क्या ही बात है ना। अच्छा वो जो बिजनेस होता है, जो सेठ आदमी होता है उसको पता थोड़ी होता है कुछ, उसको टेक्नोलॉजी का नहीं पता होता। आप किसी हार्डवेयर की दुकान में जाएंगे, किसी इलेक्ट्रिक की दुकान में जाएंगे, किसी दूध दही वाले के पास जाएंगे, वो कहेंगे यार वो तो मोबाइल में तो फेसबुक देखते हैं, वो टिकटॉक देखने के लिए होता है मोबाइल में, ठीक है उसको नहीं पता होता। वो दिन भर सुबह से शाम तक लस्सी बना रहा है अपनी दुकान पे, शाम को वो घर जाता है सो जाता है। जो बाकायदा अगर आप ऑब्जर्व करें ना, जो शॉप चलाने वाले लोग हैं खासतौर पर, वो दुनिया से बिल्कुल बेखबर होते हैं। जो लोकल शॉप्स चला रहे हैं हमारे यहाँ लोग, बिल्कुल दुनिया से, क्योंकि वो सुबह खोलता है शॉप आगे, शाम तक वो शॉप पे होता है। अच्छा रात को वो घर जाता है तो वो घर के मसले मसाइल रेडी होते हैं उसके लिए, यार ये लाना है वो लाना है। अच्छा फिर वो अगर संडे वनडे को कोई जुम्मे को टाइम मिलता है उसको, तो उसने मार्केट जाना होता है सामान लाने के लिए, रॉ मटेरियल खरीद के लाना होता है। दुनिया से बिल्कुल बेखबर होता है, उसको कुछ नहीं पता होता दुनिया में क्या होता है। उसको उसकी चीज़ पता होती है कि अच्छा यार दूध अगर हो जाए तो ये फट जाए तो क्या करना होता है, दूध को कैसे बचाते हैं सही कैसे रखते हैं, तो वो भी उसको अपने कोलीग से पता चलता है, साथ में और जो बिजनेस होल्डर्स होते हैं साथ साथ जो चल रहे होते हैं। इसी तरह वो हार्डवेयर की दुकान वाले भी हैं, इसी तरह वो सीमेंट ब्लॉक थल्ला ये सब मिठाई की दुकान वाले, सबका यही हाल है। जो खुद अगर चला रहे हैं ना बिजनेस ऑनर, उसको कुछ नहीं दुनिया का पता होता, तो आपने जाके उसको बताना है, आप बताएंगे उसको पता चलेगा। अच्छा आपने ये ऐप आपके बनाने में कोई पैसे लग रहे हैं? इससे कोई पैसे नहीं लग रहे, ठीक है। तो आप अगर उसको फ्री में भी दे दें तो कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन फ्री में नहीं लेंगे, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है, हो सकता है दे भी दें, मार्केटिंग के लिए कुछ भी कर सकता है बंदा। वो चार बंदों को दिखाएगा ना जाके कि यार ये दूध दही वाला अगर बंदा है, वो चार बंदों को या कोई दिल पसंद वाले को आपने दे दी फ्री में, अब उसके 10 ब्रांचेस में आपकी ऐप चल रही, तो आपका पोर्टफोलियो है यार ये कि मेरी बनाई हुई ऐप दिल पसंद के 10 ब्रांचेस में चल रही है और प्ले स्टोर पर पड़ी हुई है। आप किसी भी जगह जाएंगे ना इंटरव्यू में, आपने उसको बोला ना कि मेरी ऐप दिल पसंद पर पड़ी हुई है, आगे कोई बात नहीं है, खत्म हो गई सारी बात, खत्म हो गई सारी डिग्री। आपकी बनी हुई ऐप अगर प्ले स्टोर में मौजूद है, 10 ब्रांचेस उस पर चल रहे हैं, या सैलानी में अटेंडेंस की आपने ऐप बना दी है, या जो कोई भी अगर आपकी रियल लाइफ की ऐप चल रही है, तो जब आप कहीं इंटरव्यू देने बैठेंगे तो डिग्री वाला साइड हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि बहुत एक सिंपल सी बात है जो मैं अक्सर आपसे जिक्र करता हूँ कि हमेशा कोई भी सेठ होता है, कोई भी बिजनेस ऑनर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर जहाँ पे आप लग रहे हैं जाके, नौकरी पकड़ेंगे जहाँ पे आप जाके, वो एक बिजनेस चला रहा है ना, उसको ऐसा बंदा चाहिए जो उसकी हेल्प कर सके उसके बिजनेस को रन करने में, उसको पैसे कमा के दे सके, उसके पास जो ऐप बनने के लिए आती है और सॉफ्टवेयर हाउस में वो बना सके। तो अगर वो आपको आता है ना, आपने अगर उसको सर्टिफाई कर दिया कि ये मुझे आता है, तो बस डिग्री विग्री फिर साइड पे हो जाती है, सही है, और आपको जॉब हंट करने से फिर कोई नहीं रोक सकता। और आप क्या जाएंगे, कंपनी वाले आपके पास फ़ोन कर रहे होंगे, आपको फ़ोन आना शुरू हो जाने चाहिए, आज ये जो टास्क आप बनाएंगे शाम को, आपको अगले 3-4 दिनों तक फ़ोन आने चाहिए लोगों के, सॉफ्टवेयर हाउसेस के, कि भाई कहाँ हैं आप, हम आपको हायर करना चाहते हैं और आप अपनी सीवी भेजें। ये फ़ोन आना चाहिए आपको, लाजमी आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब है आपने शोर नहीं मचाया प्रॉपर। अच्छा तो ये तो बात हो गई कुछ ज़रा, अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये बनेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी बनानी है। ज़रा वो ज़रा खोल लीजिएगा टेक्नोलॉजी वाला वो रिटन डॉक्यूमेंट पीडीएफ, एक ये रहा, इसको कंट्रोल पकड़ के ना स्क्रॉल अप करेंगे तो जूम हो जाएगा, कंट्रोल पकड़ के ना स्क्रॉल अप करेंगे। अच्छा ये हाँ स्क्रीन देखने जरा चली गई है, कंट्रोल पकड़ के वापस स्क्रॉल डाउन करेंगे तो छोटी हो जाएगी। अच्छा फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी जो है,
मोबाइल ऐप बनाने के लिए फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी है वो तीन टेक्नोलॉजी हो सकती है, रिएक्ट नेटिव सीएलआई, एक्सपो या पीडब्ल्यूएल, जिनको तीनों में से कोई भी आपको जो अच्छी आती है उसमें बनाना है। अच्छा, अल्टीमेटली आपने जो सबमिट करवाना है, जो मोबाइल ऐप बनाएंगे, आपने एपीके फाइल सबमिट करवानी है शाम को। अब वो एपीके फाइल आप जैसे भी बना लें, रिएक्ट नेटिव सीएलआई अच्छी आती है उससे बना लें, एक्सपो अच्छा आता है उससे बना लें, पीडब्ल्यूए आता है उससे बना लें आप। अच्छा, जो ऐसे वीकेंड के स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में मुझे बताया गया कि उन्होंने मोबाइल ऐप अभी तक नहीं पढ़ी है, क्योंकि वीक में उनकी एक दिन क्लास होती है, ऑब्वियसली तो वो जाहिर है स्लो डाउन है उनका जो ओवरऑल है, तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो वेब में बना सकते हैं। बाकी लोगों के लिए ये ऑप्शन नहीं है कि वो वेब में बनाए, ठीक है, उनको एपीके सबमिट करानी है। अगर कोई स्टूडेंट मोबाइल ऐप के साथ साथ वेब भी बना लेता है तो दैट वुड बी प्लस पॉइंट, लेकिन जो जिन लोगों ने मोबाइल ऐप पढ़ ली है इन तीनों में से कोई एक टेक्नोलॉजी, उनके लिए जरूरी है कि वो फाइल एपीके फाइल शाम को सबमिट करवाएंगे, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक मोबाइल ऐप नहीं पढ़ी है, जो सर साहब के स्टूडेंट हैं टू बी एक्यूरेट संडे वाले स्टूडेंट, ठीक है, जिनकी वीक में एक क्लास होती है, वो वेब पे बनाएंगे। अच्छा, यही वाली स्क्रीन फॉलो करेंगे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, अभी मैं सिर्फ सर साहब के स्टूडेंट से मुखातिब हूं, हाथ खड़ा करें ताकि मुझे पता चल जाए कहां पर हैं आप लोग। अच्छा, अभी मैं आप लोगों से मुखातिब हूं, बता दीजिए, ये वाली जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को देखते हुए, इन्हीं लोगों को, इन्हीं बटन्स को देखते हुए वेब के ऊपर स्क्रीन बना लेंगे आप लोग, ठीक है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। कोई सवाल ऐसा कि सर ये मोबाइल ऐप में ऐसी स्क्रीन है तो ये वेब में कैसी बनेगी, कोई क्वेश्चन ऐसा किसी का, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो यही स्क्रीन आपने जो अभी हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं पूरी, लॉग इन साइन अप कार्ड प्रोडक्ट की लिस्ट सर्च वगैरह कैटेगरी जो भी है, यही सारी चीजें आप लोगों ने वेब में बनानी है, ठीक है, एडमिन भी और जो यूजर है वो भी दोनों। अच्छा, सर्वर की जो टेक्नोलॉजी होगी वो नॉट जे एस एक्सप्रेस अगर आती है आपको, अच्छा उस पर हाथ सेट है तो उस पर बना लें रेस्ट एपीआई के जरिए। अच्छा, अगर आपको फायरबेस आता है तो उसमें फायरबेस में सर्वर की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट फ्रंट एंड से डेटाबेस कनेक्ट होगा, तो वो उसमें आपका हाथ अच्छा है उसमें बना लें, ठीक है, कोई एक आप चूज कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद डेटाबेस की टेक्नोलॉजी, डेटाबेस की टेक्नोलॉजी में अगर आपने फायरबेस का डेटाबेस चूज किया तो क्योंकि वो फ्रंट एंड से डायरेक्ट कनेक्ट होता है तो उसमें फायरबेस रूल्स आपने जरूर लिखने, ठीक है, वो चेक किया जाएगा कि फायरबेस रूल्स आपने लिखे हैं नहीं। अच्छा, तो या मोंगोडीबी, अगर एक्सप्रेस पे आप लिख रहे हैं रेस्ट एपीआई पे तो मोंगोडीबी डेटाबेस होगा। अच्छा, ऑथेंटिकेशन जो आपने करनी है, अगर जाहिर है फायरबेस का डेटाबेस है तो फिर ऑथेंटिकेशन फायरबेस की लगती है उसके साथ, उसके बगैर तो वो काम नहीं करता। अच्छा, या अगर आप एक्सप्रेस पे करेंगे तो जेडब्ल्यूटी आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, ये चली गई है, कंट्रोल करके स्लो। अच्छा, तो ये टेक्नोलॉजी आ गई, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, किसी का कोई सवाल, इसमें कोई सवाल नहीं किसी का। अच्छा, ये वही बात जो मैंने अभी गो थ्रू करवाई है ना, वो यहाँ पे राइटिंग में लिखी हुई है कि यूजर का क्या फीचर होगा, इसमें जो चीजें ऑप्शनल है वो मेंशन हुई है कि अच्छा ये ऑप्शनल है, फॉरगेट पासवर्ड देंगे ऑप्शनल है। अच्छा, इसी तरह एडमिन में भी वो सारी बातें ऑन राइटिंग लिखी हुई है, क्योंकि वो सुनी भी बात भूल जाता है ना बंदा, रिटर्न में आपके पास ही आ गया। अच्छा, और कोई किसी का सवाल, बस यहाँ पे इख्तिताम करेंगे हम इसका, हम फिर मूव करेंगे जी। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मोबाइल ऐप में और वेब एप्लीकेशन में दोनों में, अगर आप चाहें यूजर के लिए, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा ऑनलाइन स्टोर में पहले प्रोडक्ट दिख जाती है, जब वो बाय करने की कोशिश करता है तो फिर लॉग इन साइन अप मांगता है, वो उसके पहले नहीं मांगता। तो अगर आप वेब में और मोबाइल में दोनों में ये करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट अगर जैसे फ्लो यहाँ पर है वैसे भी बना लें तो कोई बड़ी बात नहीं जी। जो चीज मेंशन हुई है वो करनी है सर, अगर आप एडिशनल, जैसे डिलीट का यहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आप डिलीट करवा दें तो अच्छी बात है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, उसके बगैर भी आपके जो प्रोडक्ट को कंसिडर किया जाएगा कम्प्लीट। असल में ये कुछ चीजें, ये दोस्त ने कहा डिलीट इसमें जिक्र नहीं है, वो एंड मोमेंट पे हमने ना कुछ चीजें रिमूव की है इसमें, वो रिमूव इस वजह से किए हैं क्योंकि हमारे जो सारे ट्रेनर्स हैं सीनियर बॉस भाई और जो कुछ यहाँ पे भी मौजूद नहीं है, इसाफ सर इसाफ और जो दूसरे टीचर्स हैं, हम सब लोगों ने रात को हमारी मीटिंग हुई कि जो टास्क है ना वो 12 घंटे में हो नहीं सकता, तो हमने फिर उसमें से बहुत सारी चीज़ें रिमूव की हैं। ये जो आपको बहुत फिल्टर्ड वर्जन दिख रहा है, हमने रात पूरा इसमें जो है ना सब लोगों ने डिस्कस करके वो सारे फीचर इसमें से हटा दिए कि 12 घंटे में ये कम्प्लीट भी हो जाए ऐप और एक कम्प्लीट ऐप की सूरत भी हो, ऐसा भी ना हो ना कि ऑर्डर अगर हो रहा है तो ऑर्डर दिख नहीं रहा,
या क्या कहते हैं एडमिन ऐड कर रहा है और तो कंप्लीट एक ऐप भी हो और वो कुछ फीचर, तो डिलीट के सारे फीचर इसमें से आप देख रहे होंगे नहीं है, इसमें मेंशन नहीं हुए, लेकिन अगर आप करना चाहें तो उसके लिए कर सकते हैं। हमने भी इसको रिमूव इसलिए किया है ताकि ये 12 घंटे में कंप्लीट होने वाली ऐप बन जाए। समझ आ गया क्या? जी दोस्त जरा जोर से बोलना होगा आपको। यूजर के कितने पेज, बस जितने मोबाइल के उतने ही बनाने, सवाल समझा नहीं आपका। फायरबेस रूल कैसे लगते हैं? अच्छा, फायरबेस रूल यार जो एक्सेस होता है वो जो ऑथेंटिकेशन के बगैर वो उसको एक्सेस ना कर सके डेटा को, है ना? फायरबेस रूल तो यही होता है ना कि ऑथेंटिकेशन के बगैर वो डेटा गेट ना कर सके, अदरवाइज तो फायरबेस का यूआरएल किसी को मिल गया तो पूरा डेटाबेस वो रीड करेगा आपका, ठीक है? तो जिस यूजर, जो यूजर साइन इन हुआ है वो सिर्फ अपने ऑर्डर ही गेट कर सके, किसी और के ऑर्डर तो नहीं गेट कर सके ना, ये तो ऑब्वियस बात है ना। मिसाल के तौर पे जब कोई यूजर साइन इन होता है तो अपने प्रीवियस ऑर्डर देख रहा होता है सारे और ऑर्डर प्लेस भी कर सकता है, तो वो अपने अकाउंट पर ही ऑर्डर प्लेस कर सके, अपने ही ऑर्डर देख सके, ये तो बेसिक एटलीस्ट इतना तो हो जाना चाहिए ना। जी दोस्त, यूआई एग्जैक्टली सेम नहीं चाहिए, ठीक है? थोड़ा बहुत ऊपर नहीं, क्योंकि जैसे आइकन वगैरह इसमें है, अगर आप आइकन मटेरियल आइकन यूज कर रहे हैं तो सब जगह मटेरियल आइकन होने चाहिए, अगर आप फॉन्ट ऑसम का आइकन इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर वो पूरे में फॉन्ट ऑसम का आइकन होना चाहिए, ठीक है? तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन लोगो जो थीम है ओवरऑल, वो थीम आपकी, आपको ये जरिए फॉलो करनी है, जो वायर फ्रेम आपको बना के दिया गया, जो डिजाइन डॉक्यूमेंट देने का मकसद ये कि कलर वगैरह जो भी शेप्स हैं वो सारी आप फॉलो कर लें, आसानी हो जाएगी ताकि आपको, ठीक है जी? एटलीस्ट ऑथेंटिकेशन तो लगा लेना कि बगैर ऑथेंटिकेशन के कोई डेटा गेट ना कर सके, एटलीस्ट ये, ठीक है? बस ये मेरे ख्याल काफी ज्यादा गुफ्तगू हो गई है, ठीक है जी? निशान भाई थैंक यू सो मच। इंतजाम भाई आपने इतनी डिटेल्स में चीज़ों को बताया। अच्छा, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, देखिए आप यहीं पर हैं 12 घंटे, ये चीज़ें आप जरा अपनी चीज़ें इंप्लीमेंट करें बैठे और उसको थोड़ा एक्सेस करें टास्क को, तो क्वेश्चंस आपके साथ हमारे पास आउट बैच 7 के स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो भी चीज़ें शेयर करते रहेंगे, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करते रहेंगे, हम सब यहीं हैं, ठीक है? मैं वॉस भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कुछ वर्ड्स कहें, उसके बाद फिर आप स्टार्ट ले लो। अच्छा भाई, तो माशाल्लाह सब इंजाम मैंने आपको बता दिया है, तो बस मैं एक ही वर्ड को बस सेम। तो अच्छा, तो सबसे पहले तो देखिए, आपने अभी देखिए बातें इतनी की, रिक्वायरमेंट बता रहे थे सर आपने, उसको समझा नहीं सही से, इतनी बातें आपने की, तो सबसे पहली चीज़ तो आपने यही मिस कर दिया, यही सबसे मेन चीज़ है कि अब आप लोग क्या करेंगे कि समझ में आया नहीं, काम शुरू कर देंगे और फिर बीच बीच में आके पूछेंगे कि क्या थी रिक्वायरमेंट, तो ये सबसे बड़ा मसला है इसमें हैकाथॉन में। तो सबसे पहला काम जो है वो रिक्वायरमेंट समझना होता है सही तरह से, 100% आपको समझ में आ जाए फिर आपने करना स्टार्ट करना है, ताकि चीजें आपको पता है कि करना क्या है, तो फिर जल्दी फास्ट काम होगा, आप जल्दी जल्दी से वो सारा काम करेंगे। अगर जब आपको पता ही नहीं तो बीच बीच में आप रुकेंगे, शॉप हो जाएंगे और पूछेंगे कि भाई रिक्वायरमेंट क्या थी, वो समझ में नहीं आई, तो इसमें जो है बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहली चीज ये करें कि अभी ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, क्या कहते हैं, यूआई और डॉक्यूमेंट वगैरह, आप इसको दोबारा से देखें, सही से इसको समझे और अपने पास नोट कर लें कहीं पे, यार मुझे इस तरह से इसको लेके चलना है और इस तरह से बनाना है, तो ये काम सबसे पहले करें। बाकी दूसरा जो काम है वो यूआई और बैकएंड वाला है, वो आपके ऊपर है, आप समझते हैं कि यार फ्रंट एंड में पहला बना लूंगा, अच्छा जल्दी बन जाएगा, तो फ्रंट एंड पहले बना लें, आपको लगता है यार नहीं मैं बैकएंड इसका पहला बना लूंगा तो बैकएंड आप बना लें, तो ये चीज है। अच्छा, इसमें अच्छा ऑप्शन हमने दिए हैं, जिस तरह से इंतजाम ने आपको बता दिया कि भाई जो वीकेंड वाले उनके लिए अलाउ कर दिया है वेब, अच्छा लेकिन कोशिश करके इसमें एक ऑप्शन हमने डाला हुआ है पीडब्ल्यूए वाला ना, अगर उनको आता है तो वो इसका बनाते हैं, अगर नहीं आता तो फिर वो ऑप्शनल है उनके, सिर्फ वीकेंड वालों के लिए, बाकी जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए ना, मुझे नहीं लगता कि किसी को रिएक्ट नेटिव नहीं आती होगी, ठीक है भाई? तो वो सारे कोशिश करके मोबाइल ऐप ही बनाए, और मोबाइल ऐप भी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए पूरी ऐप बनाइए ना, वेब तो आजकल बन जाती है भाई, वर्डप्रेस वगैरह पर हर चीज पे लोग बनवा रहे हैं, तो ये ऐप बनेगी तो ज्यादा मजा आएगा, तो उसमें फिर iOS वगैरह के लिए भी आप उसकी बिल्ड निकाल सकेंगे, तो कोशिश करके इसको ना मोबाइल ऐप ही बनाइएगा आप, अगर आपको आती है, ठीक है? तो मैं कहते सबको ही आती है वीकेंड के अलावा, ऐसा ही भाई, ठीक है भाई? तो बाकी जो भी आपके क्वेश्चन थे सर इंजाम ने क्लियर कर दिए, थोड़ा सा वो एक्टिव हो जाए,
और उसके बाद फिर शुरू करें तो एक्टिव करने के लिए हम जो है थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं अपनी क्लास में। तो आपसे भी कहूंगा जो मेरे स्टूडेंट है वो शुरू कर देंगे और फिर उनके साथ साथ आप कर देंगे। चले भाई 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पता चल गया सबको क्या होता है। अब सब करेंगे और तेज आवाज में करेंगे ताकि जो सो रहा हो ना वो तेज आवाज सुनिए वो भी जाग जाए। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अच्छा एक और एक्सरसाइज करते हैं हम सेकंड वाली। चले भाई भूल गए क्या भाई। अच्छा इसमें कैसे जो हंसना है जो जितना खतरनाक हंस सकता है जल्दी से भाई। चले भाई सही है भाई। तो माशाल्लाह सब एक्टिव हो गए। तो अब जो है स्टार्ट करते हैं। आपको जो शान पे बता देंगे कि कैसे मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज देंगे या एयरपोर्ट शेयर पे रख दें इस तरह करते हैं तो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा बेस्ट ऑफ लक। अच्छा भाइयों अभी डॉक्यूमेंट आपको विद इन 2 मिनट्स आपके ग्रुप्स में मिल जाएंगे ठीक है। सामने लैब्स अवेलेबल हैं जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो पासवर्ड अभी शेयर हो जाएंगे आपसे। आप स्टार्ट लेने भाई कोई क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो ये रहीम है तहसीन सब मौजूद है यहाँ पे कोई भी इशू हो बता सकते हैं। 12 घंटे आप यही हैं रिफ्रेशमेंट भी यही होगी हर चीज़ यही होगी कहीं जाने की जरूरत नहीं है।